और यहाँ पे क्या क्या रीजन है जनसंख्या का, ये भी है कि ये जो रीजन है ना, एक तो मैदानी क्षेत्र है, तो बसावट के लिए घर वगैरह बनाने के लिए स्पेस है, ठीक है, आसानी से वहाँ पे बसावट की जा सकती है। दूसरा, यहाँ की जलवायु भी कैसी है, बहुत फेवरेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी फेवरेबल हियर, ठीक है। उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, तो जहां पे ये सारी चीज होंगी वहां अपने आप लोग पहुंच जाएंगे रहने के लिए। हाँ, रूरल और अर्बन दोनों ही, मतलब अगर यहां पर वाटर है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, अगर प्लेन रीजन है तो यहाँ पे लोगों को बसने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको बोला जाए जाओ पहाड़ों में घर बनाओ, तो वहां पे लोग जाके रहने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि कुछ भी चीज चाहिए होगी तो हमें 3 किलोमीटर, वैसे तो कह रहे हैं 3 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा मार्केट है, ठीक है, वैसे तो कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर की दूरी पे बड़ा मार्केट है, बहुत सारी सुविधाएं हैं 3 किलोमीटर की दूरी पर वो 3 किलोमीटर ऐसे नहीं चलना, वो 3 किलोमीटर है ना, ऐसे चढ़ना उतरना है, फिर वो 1 किलोमीटर भी भारी है वो, फिर क्या बोलेंगे, नहीं 1 महीने का सामान एक साथ लाया जाए, है ना, फिर थोड़े दिनों बाद आपको वो ऐसा महसूस होगा कि आप दीन दुनिया को छोड़ के सन्यासी जीवन में प्रवेश कर चुके हो, है ना। तो सोचो जहां पे पॉइंट पूछूंगे जिसकी वजह से इतना हंस रहे हो, ठीक है, तो प्लेन रीजन होगा तो क्या होगा, वहां पे बसावट आसान होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो ये क्षेत्र हमेशा से जनसंख्या के लिए इसलिए फेवरेबल रहता है क्योंकि प्लेन रीजन है, पानी भी है, जलवायु भी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की गर्मी नहीं है, है ना, तो जलवायु भी ठीक है, फिर कुछ भी नहीं हुआ तो कृषि तो रोजगार है ही है, राइट, हाँ, तो मौसम में बेरोजगारी तो रहेगी, एग्रीकल्चर जहाँ ज्यादा हो, तो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी। अच्छा, आप बताइए कि इस रीजन में अगर जनसंख्या ज्यादा होगी, अब इस कनेक्ट करिए आगे, अब क्या होगा इसके बाद, अब जनसंख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, रिसोर्सेज पर बर्डन क्रिएट होगा, रिसोर्सेज पे बर्डन क्रिएट होगा तो क्या होगा, हाँ, कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस कम, बिल्कुल बर्डन हो गया, क्या अच्छा, तभी हंस रहे थे उसको देखकर, ठीक है, रिसोर्सेज पे बर्डन हुआ तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होगा, जो पावर में होगा ना वो ज्यादा रिसोर्सेज को अपने अंडर में ले लेगा, तो ऐसे क्षेत्र में कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम होगी और बहुत ज्यादा पब्लिक कैसी रहेगी, बहुत गरीबी की कंडीशन में रहेगी, ठीक है। यही रीजन है कि यहाँ पे सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी यहाँ पर बैकवर्डनेस अभी भी है ना, पिछड़ापन अभी भी है। तो जनसंख्या ज्यादा होगी, रिसोर्सेज पे बर्डन होगा, कुछ लोगों का ज्यादा वेल्थ पे कंट्रोल होगा, बहुत सारे लोगों के पास थोड़ी सी वेल्थ होगी, है ना, और उसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, समझ गए। अब इकोनॉमी की वजह से जब डिफरेंस हो गया है तो क्या होगा, जो बड़ी जनसंख्या, जो ज्यादा नंबर है, ठीक है, आर्थिक आधार पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विभाजन हो जाएगा,
इसीलिए आप देखते हो इन क्षेत्रों में कुछ जनसंख्या ऐसी है, वेरी फ्यू आर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, ठीक है, लार्ज पोर्शन ऑफ द वेल्थ, और जो बड़ी पॉपुलेशन है, ज़्यादा हिस्सा है पॉपुलेशन का, दे आर हैविंग जस्ट, ये समझ लीजिए कि सर्वाइवल भी उनका इतना नहीं होगा, नॉट इनफ फॉर द सर्वाइवल एक्चुअली, ठीक है, सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट? अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब गरीब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी किसी भी क्षेत्र में तो क्या होगा, अब यहाँ पे जिसके पास सब कुछ है तो उसके पास तो एजुकेशन भी अच्छी होगी, अदर रिसोर्सेज अपने आप जनरेट कर लेगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, और ये जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है इसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज, आगे भी फिर वो पूरा साइकिल चलना शुरू हो जाए, फिर एजुकेशन वाइज भी वो डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात सोचिए, आप हमने अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था क्षेत्र का, ठीक है, आपने क्षेत्र के बारे में पूरा ये बताया कि इस तरीके का इकोनॉमी होगा, ऐसी सोसाइटी होगी, आपने काफी कुछ इस पे एनालाइज किया। अब यही चीज आप यहाँ साउथ के बारे में सोचिए, साउथ के बारे में सोचिए, यहाँ ठीक है, अगर हम साउथ के कुछ स्टेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, अब ये जो क्षेत्र हैं, ये इनकी पहचान किस आधार पर है पहले ये बताइए, इनकी पहचान भाषा के आधार पर, पहले किस आधार पर है, भाषा, उसके बाद क्षेत्र भी, अगर इसका ज्योग्राफिकल टेरेन अगर देखा जाए तो वो भी अलग है ना, कौन सा है ये, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, प्लेट्यू भी पड़ता है, पठार भी है और कोस्टल प्लेन भी है। अच्छा, अब आपने कहा कि पठार भी है और कोस्टल प्लेन भी है, तो पठार भी होगा, कोस्टल प्लेन भी होगा, तो इकोनॉमिकली डिफरेंसेस होंगे, पठार होगा तो वहां पे अलग अलग तरीके के खनिज मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, कोस्टल रीजन होगा तो वहां पे क्या होगा, कोस्टल रीजन होगा तो वहां पे क्या क्या होगा बताइए, आपसे पीछे जो है, पीछे पीछे दीपशी और उनके साइड में दोनों, हाँ आप दोनों खड़े हो जाइए, आप बताइए कोस्टल प्लेन होगा तो वहां पे क्या क्या होगा, अब ये बाउंड्रीज देखिए आप और फिर बताइए सोच के, कोस्टल प्लेन्स में क्या क्या होगा, ट्रेड के लिए क्या चाहिए होगा, ट्रेड कैसा होगा, चलो ये बताइए, पोर्ट होगा, मतलब कैसा ट्रेड होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, और पोर्ट है यहाँ पर, इंटरनेशनल ट्रेड है, और बताइए कोस्टल रीजन है, हाँ टूरिज्म होगा, टूरिज्म क्यों होगा, हाँ क्योंकि अभी हम ज्योग्राफिकल बात कर रहे हैं ना, तो कोस्टल रीजन होगा तो क्या होगा, सी प्रोडक्ट्स होंगे, इंडस्ट्री कैसी होगी, इंडस्ट्रीज कैसी होंगी यहाँ पे, जो सी प्रोडक्ट पर बेस्ड होगी वही इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, है ना। अच्छा, अब ज्योग्राफिकली इसी एस्पेक्ट से ध्यान दीजिए, हमने कहा कि ये कोस्टल रीजन है, पोर्ट है यहाँ पर, है ना, पोर्ट है तो ट्रेड पॉसिबल है, कोस्टल रीजन है, समुद्र के आसपास का एरिया है, तो सी प्रोडक्ट होगा, उसी पर बेस्ड इंडस्ट्री होगी। अब इसी कोस्ट की वजह से कुछ और भी होता है क्या, यहाँ बताइए, सोचिए क्या सारा फायदा ही फायदा है यहाँ पे, हाँ नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, सुनामी का इफेक्ट होगा, चक्रवात का, साइक्लोन्स का इफेक्ट होगा, होगा ना, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे बताइए लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
मतलब बार बार उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, राइट right. मतलब इकोनॉमिक लॉस भी होगा, ह्यूमन लॉस भी होगा, है ना, और कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली भी वो लोग डाउन फील करेंगे. और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन होगा क्या? होगा, हो गए डिजास्टर, फिर मैनेज भी कर लिया उसको. अच्छा, ये समझ आया? चलो अब इधर चलते हैं, अब यहां चलते हैं. देखो, बिना टिकट तुम्हें भारत दर्शन हो रहे हैं अभी. साउथ घूम लिया. अच्छा, साउथ में एक चीज तो रही गई, आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे भूल गए इसका? अच्छा, नाम नाम बताया था एक बार. बताओ. अच्छा, सीधे, हाँ, नॉर्थ बताओ भाई, नॉर्थ बताओ. अब तुम खड़े हो, अब आएगी. हाँ बताइए. बेटा सुनो, मैंने ये बताया था. हाँ बिल्कुल, वो बात दरअसल ऐसी थी, मैंने ये कहा था कि अधिकतर नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स थे वो बार बार साउथ तक इन्वेजन करते थे. साउथ को नॉर्थ इंडियन रूलर्स ने कई बार अपने अंडर में, अपनी पावर में उन्होंने लिया, अक्वायर किया साउथ को, साउथ को. लेकिन साउथ से कोई रूलर नॉर्थ की तरफ आए ये बहुत रेयर हुआ. और ये किसने पॉसिबल किया? ये चोला ने, जो चोल शासक थे उन्होंने किया. ठीक है, तो पहली बार कोई चोल शासक उत्तर की तरफ आया, नॉर्थ की तरफ आया और गंगा को पार करके यहाँ तक, जिसे कहते ना विजयी रहना, ठीक है, और जीत के बाद वापस वहाँ गए वो, और इसी उपलक्ष में उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर बनवाया, गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल. बट अच्छा है, ठीक है. अच्छा, तो अब नॉर्थ रीजन की बात करते हैं. तो बताइए यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, बताइए क्या दिखाई दे रहा है? माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं. कौन से माउंटेन्स? हिमालयस दिखाई दे रहे हैं. अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है? बर्फ दिखाई दे रही है. और अच्छा, कॉनिकल ट्रीज, कॉनिफेरस ट्रीज, हाँ, वेरी गुड. और आप तो आप बताइए वहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है? वाह वाह, देखो इन्होंने इकोनॉमिक बेसिस बताया है वहां पे, मान गए बिल्कुल. अब पीछे वालों को पता नहीं है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्या बोल दिया इन्होंने. मैंने बोला कि बताइए नॉर्थ में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है. पहले कह रहे हैं पहाड़ दिखाई दे रहे हैं,
हिमालयस दिखाई दे रहे हैं, बर्फ दिखाई दे रही है, फिर भेड़ बकरियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखो लेकिन अच्छा वो क्यों है, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है। पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहां पे कृषि करना इतना पॉसिबल नहीं है। अब वहां पे आजीविका के लिए क्या किया जाए, वहां पशुपालन होता है। अब पशुपालन भी अगर वहां पे गाय और भैंस अगर रख लिया जाए, वो चढ़ने उतरने में बेचारी गिर विर गई, हाथ खून के टूट जाएंगे पैर वैर, ठीक है, नहीं होता ना, हाँ एक्सपर्ट हो जाती है उस एरिया की। देखो हाँ अच्छा, मतलब इसीलिए, मतलब बाकी भारत से मतलब आप ट्रेड नहीं करते, फिर वहीं की ब्रीड्स सही रहती। लेकिन मेनली वहां पे जो ये जो आपने कहा बकरी वगैरह ज्यादा है ना, तो वो इसलिए भी होती है, भेड़ वगैरह पालते हैं वहां पे, शीप और गॉट्स इसलिए रखी जाती है क्योंकि एक तो उनको पालने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है ना, एक साथ सबको ले जाओ खिला पिला के ले आओ, ठीक है। उसके बाद जो वुलन क्लोथ्स बनते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो इकोनॉमी, इसीलिए कहते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी अलग है ही नहीं, जैसी ज्योग्राफी होगी उसके हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी। अब आप बताइए, एक बार फिर से बताइएगा, 6 महीने जैसे हमने बताया कि ये जो पूछे प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है जैसे प्रॉपर जम्मू का एरिया है, 6 महीने ये यहाँ पे, 6 महीने ये माइग्रेट करके वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब बर्फ काफ़ी बड़ी होती है तो ये प्लेन एरियाज में आ जाते हैं, ठीक है, राइट। तो फिर ये इनका जो है बिजनेस इस तरीके से चलता है, ये फिर तो आप करेवा लेक्स के बारे में भी पता होगा, करेवास, करेवा लेक्स, करेवा, करेवा करेवा लेक एक्चुअली किसी एक लेक का नाम नहीं है, ज्योग्राफिकली जो इसका फॉर्मेशन का तरीका होता है उसके हिसाब से इसका नाम पड़ता है। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं उन दोनों का वाटर रिसोर्स अंडरग्राउंड है, ये तो हम कर ही लेते हैं फिर, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है, हम कहते हैं ये चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार, ठीक है। देखो कुछ भी हो इकोनॉमी जनरेट होनी चाहिए, टूरिज्म अगर बढ़ रहा है उससे तो दिक्कत क्या है, ठीक है ना। एग्जैक्टली देखो इसे कहते हैं रीजनलिज्म, देखो है ना कितना, देखो सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया ये आप लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और वहां पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है उनको। बिल्कुल सही कह रहे हो, सबको दिक्कत होगी। तो
करेवा लेक्स के बारे में पता है? मतलब देखो, जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ पे हिली रीजन है। अब हिली रीजन है तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी बिल्कुल अलग होगी, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे अलग होगा। अब क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे? कोल्ड है, ठीक है। और कुछ जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे एक्सट्रीम कोल्ड होता हुआ चला जाएगा। उसी हिसाब से लोगों का पहनावा, खान पान वैसा ही हो जाएगा। अब ज्योग्राफिकल टेरेन ऐसा है, उसकी वजह से इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर कम है लेकिन एनिमल हस्बेंड्री की तरफ फोकस ज़्यादा है, ठीक है। वुलन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है, और वो भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर थोड़ी कम है। मेनली आपको दिखेंगी लुधियाना साइड में, पंजाब साइड में, वहाँ से रॉ मटेरियल आता है पंजाब साइड में, और फिर यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में वो चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेनली ये जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे इकोनॉमी जनरेट करने का तरीका, एक सबसे मेन तरीका क्या है? टूरिज्म को प्रमोट करना। अब क्योंकि बाकी अगर पूरा इंडिया अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये कैसा है? काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा है? कोल्ड है ना, वेदर अच्छा है। तो जैसे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, जैसे ही यहाँ पे समर सीजन आया, वैसे ही लोग कहाँ शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं कि चलो ज़्यादा नहीं तो 8-10 दिन के लिए चलो, 3 दिन के लिए चलो। तो टूरिज़्म यहाँ बहुत अच्छा होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और यही रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस डेवलप किए थे, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आए थे वो ठंडा क्षेत्र था। भारत में रहना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, फिर भी उनका डेडिकेशन देखो, इतनी सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हुए इंडिया में सर्वाइव कर गए वो लोग, और राज कर गए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, नॉर्थ इंडिया में उन्होंने कुछ ऐसे सिटीज डेवलप किए, ऐसे टाउन्स बनाए, ठीक है, जहाँ पे वो समर में वो इधर शिफ्ट हो जाया करते थे, और अब वो क्या है, टूरिस्ट प्लेस के फॉर्म में वो हमें इनकम जनरेट करके दे रहे थे, ठीक है। अब धीरे, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल है, इसलिए आप देखोगे कि मेडिसिनल जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो मेनली इधर ही हैं, देहरादून हरिद्वार साइड, है ना, इधर ज़्यादा हैं, तो अच्छा ऑप्शन है, राइट। अच्छा, अब इस वाले क्षेत्र में आ जाइए थोड़ा, अब इस वाले क्षेत्र में आ जाइए, क्या है ये? राजस्थान। और राजस्थान में भी वेस्टर्न राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है? डेजर्ट है, डेजर्ट है। तो यहाँ क्या, कैसा क्लाइमेट होगा? एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। समर में एक्सट्रीम हीट होगी, विंटर्स में एक्सट्रीम कोल्ड होगा। क्यों? क्योंकि जो रेत है, बालू रेत है, वो बहुत तेजी से गर्म होता है, बहुत तेजी से ठंडा होता है, ठीक है। अच्छा, अब बताइए यहाँ पे इस ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से इकोनॉमी यहाँ पे कैसी होगी, बताइए। क्या वेजिटेशन होगी यहाँ पे? एग्रीकल्चर होगा क्या? एनिमल हस्बेंड्री होगी? उनमें भी कौन सा, किसको प्रेफर किया जाएगा? कैमल को। क्यों? क्यों? अच्छा, एक तो वो गर्मी सहन कर सकता है, और दूसरा वो पानी पी के, एक बार पानी पी के 15-20 दिन तक रह सकता है, और रेत में चल सकता है। वेरी गुड, ठीक है, हाँ जी, राइट। अच्छा, अब ऐसे क्षेत्र में मान लीजिए आप आईएएस बन के चले गए, वेस्टर्न राजस्थान में आपकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है, तो आप वहाँ पे इकोनॉमी कैसे जनरेट करेंगे, बताइए। और अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि उस क्षेत्र में आपको डेवलपमेंट करना है, तो क्या क्या तरीके होंगे, लिखिए फटाफट।
यू हैव 5 मिनट्स, लिखिए। वेस्टर्न राजस्थान में अगर मान लीजिए आप सिलेक्ट हो गए, आपकी ज्वाइनिंग हो गई वेस्टर्न राजस्थान तरफ, ठीक है, अब वहाँ की इकोनॉमी को आपको प्रमोट करना है, वहाँ पे डेवलपमेंट करना है, तो अब बताइए कैसे आप डेवलपमेंट करेंगे। यू हैव 5 मिनट्स, 5 पॉइंट कम से कम लिखिए, सोचिए। चलो 2 मिनट और एक्स्ट्रा मिले। खाता क्या है ये? पेड़ पौधे ही खाता है, घास फूस कम तो ही कम खाता होगा, मतलब जो वहाँ पे थोड़ी बहुत जो वनस्पति होती है, ठीक है, नहीं उसी से सरवाइव करना पड़ता है उसे। टू मिनट्स लेफ्ट। टाइम अप। चलिए बताइए, ध्यान से सुनना सभी। ओके, ठीक है मैडम। हाँ बताइए। हाँ हाँ आप ही से पूछ रहे हैं। लगा देंगे, शान लगवा दीजिए एक सोलर सिस्टम में। तो जिससे बिजली उत्पादन होगा, और दूसरा कि वहाँ पर नहर नदी वगैरह उनका प्रयोजन करना पड़ेगा, जैसे अभी साबरमती से गुजरात राजस्थान के जालौर में नदियाँ वगैरह पहुँचे जाए, जिससे खेती वगैरह हो सकती है, ठीक है, और इसके अंदर पर्यटन सिस्टम हो जाए। बाकी तो मैम जो कह रहे हैं कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान जो वेस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान की सिर्फ कुछ जिलों के अंदर रेगिस्तान है, और जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इन जगहों पर रेगिस्तान है, वहाँ पर से वो समतल
रेत है ताकि वहाँ पर जो कांधी वगैरह आती है ना तो उससे कि रेत के टीले बन जाते हैं छोटे छोटे। और बाकी चूरू हनुमानगढ़ और बीकानेर ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेत है, थार के रेत था जहाँ पर सबसे ज़्यादा वापस हनुमानगढ़ चूरू। चूरू का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है ना, चूरू में सबसे ज्यादा होता है। और जैसलमेर, जैसलमेर में है लेकिन जैसलमेर में ज्यादा रेत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ समतल थार कह सकते हैं। वहाँ पर तो ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पर समतल थार है वहाँ पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, नदियाँ बनाकर, नदियाँ पहुँचा कर, नदी परियोजना कर सकते हैं। ठीक है भाई जी, हाँ बताइए। रोजगार है गुड बताइए। वहाँ पे सब सुन रहे हैं ना ध्यान से, नेचुरल एनर्जी की पोटेंशियल सबसे ज्यादा है जिसमें सोलर और विंड आती है। उसके बाद में वहाँ पे मोटे अनाज बहुत होते हैं। वेरी गुड पॉइंट्स लिखे, लिखने हैं ये आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। मोटे अनाज बहुत होते हैं जैसे अभी भारत को न्यूट्रिशन की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, तो वेरी गुड। उसको प्रमोट करते हैं वहाँ पे तो इस टाइप की इंडस्ट्री बना सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज्यादा है, वेरी गुड। जैसे राजा जैसलमेर हो गए, वहाँ पे पुराने किले वगैरह हैं, तो उनको अगर हम लोग अच्छे से डेकोरेट करके वहाँ पे सिक्योरिटी देकर उनको प्रमोट करें तो टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट होता है। उसके बाद भारत में भी डायबिटीज और स्किन प्रॉब्लम बहुत हो रही है, और वहाँ उन क्षेत्रों में ऐसे मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं जो स्किन डिजीज को ठीक करता है, जैसे वहाँ पे एलोवेरा हो गए और भी जैसे इनको भी तो प्रमोट किया जा सकता है मेडिसिनल प्लांट के तौर पे। और वहाँ पे एक हो सकता है रिसर्च सेंटर हम बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत वीराना क्षेत्र है, जैसे भारत को परमाणु युद्ध जैसे रिसर्च सेंटर बनाने हैं तो वहाँ पे बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है, और अगर वहाँ कुछ ऐसा होता भी है तो बहुत कम लोगों को जान माल की हानि होगी, तो ऐसे रिसर्च सेंटर भी वहाँ पे प्रमोट किए जा सकते हैं। ठीक है, परमाणु सबसे पहले दिमाग में आया इनके, भारत का दो परमाणु कलेक्शन वहीं पे। वेरी गुड गुड, अच्छे पॉइंट्स बताए आपने, बताइए। सबसे पहले उसमें क्या कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे जो सॉइल होती है ना उसको हम एज कोई डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, उनके लिए उस सॉइल का यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से बोलिए अपने पॉइंट्स, ध्यान से सुन रहे हैं सब। यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर ऐसी सॉइल पाई जाती है जो कि हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उनमें यूज की जाती है, तो उसका हम व्यापार बढ़ा सकते हैं, जैसे बजरी वगैरह हो गया नदी वगैरह लेके आएंगे तो वो इजीली आ सकती है क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। अगर नदी वगैरह लेके आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो फैमिलीज वगैरह है उनको एग्रीकल्चर उनका प्रमोट होगा और उनका लिवलीहुड भी अच्छा होगा, वो इकोनॉमिकल लेवल से अच्छे होंगे होंगे तो वो वहाँ पे अपनी संस्कृति वगैरह को एक गिग इकोनॉमी के थ्रू जोड़ सकती है, वहाँ पे उनको अपनी संस्कृति को दिखा सकते हैं। हाँ बताइए। सोलर पैक, जैसे सोलर पैक सभी भी लगे हुए हैं कि बड़े बड़े सोलर पैक हम लगा सकते हैं जिससे देश का भी हमें क्या बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी दे सकते हैं, उसमें वो सबसे बड़ी जगह है हमारे कंट्री की थार डेजर्ट, फिर उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और वाटर कनेक्शन हमें जैसे गुजरात में जैसे नर्मदा का पानी कच्छ तक जाया था जब भूकंप हुआ था, तब कच्छ का मीन्स अहमदाबाद से पानी भी मीन्स उसका प्रोजेक्ट चल रहा है कि पानी जैसे सुफलाम करके स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है, तो पानी से कच्छ तक लाएगा अभी उसमें। फिर उससे क्या होता है कि टूरिज्म और कल्चरल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जैसे उधर नाइट्स में से उनके राजस्थान से भी कल्चर से जुड़ा हुआ जैसे उनका कल्चर डांस जैसे होता है, उनको रात को जैसे वन मंथ के लिए उससे दूसरे कंट्रीज और ऐसे लोग आके टूरिज्म बढ़ा सकते हैं।
सांस्कृतिक महोत्सव जिन्हें कहते हैं, कैसे? और फिर इन्होंने बोला कि रिसर्च जैसे परमाणु और वो ई टेस्टिंग उधर हुई थी, ऐसे नए नए रिसर्च डेवलप कर सकते हैं, नए नए साइंस में डेवलप कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। नहीं आप फिर भी आप बताइए। वहाँ के जो कल्चर्स हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है, और उनके जो बनाए हुए माथा से कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है प्रमोट किया जा सकता है, जिससे जो इकोनॉमी डेवलप होगी। और मैम रिसर्च सेंटर्स जो है डेवलप कर सकते हैं। और मैम रिसर्च सेंटर जब आपने यहाँ पे लिखा तो आपके माइंड में किस तरीके की रिसर्च चल रही थी ये बताइए, किस तरीके के रिसर्च सेंटर सोच के आपने वहाँ पे लिखा है पॉइंट? जैसे मैम क्या बोला आपने? अगर यूरेनियम का रिएक्शन हुआ तो कभी कभी बेनिफिट ये हो जाता है कि जो मरुभूमि है वो उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा